तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फ्रिज में, कोई से भी फ्रिज में हम रिले सेट कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमारे पास एक है ओवरलोड और एक है रिले सेट। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, क्योंकि ऐसी ऐसी वीडियो मैं आप लोगों के लिए कितनी बनाता हूँ वो आपको पता ही है। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की ओर। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हमारे पास एक ओवरलोड है, इस प्रकार की मिलती है और यहाँ कंप्रेसर में थिम्बल आते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, नीचे की साइड एक मैन तार होता है इस थिम्बल का, आप देख सकते हैं ये वाला। ठीक है, ये वाला एक मैन तार होता है कंप्रेसर में, तो इसको आप इस प्रकार से लगाना है आप लोगों को, जैसे मैंने लगा दिया। ठीक है, इस प्रकार से लगाना है, इसको बोलते हैं हम ओवरलोड। और रिले सेट होता है हमारा ये। ठीक है, जो काला वाला होता है वो होता है हमारा रिले सेट। तो उसको लगाने के लिए इस ये दो थिम्बल यहाँ पर, जैसे कि आप देख रहे हैं दो पिनेसी हैं यहाँ पर, और ये भी हमारे यहाँ दो पिन है। ठीक है, इसको आप लोगों को इस प्रकार से अंदर की साइड बांट देना है और हमारे दो रिले सेट लग चुके हैं। अब आती है वायर की बात कि इसको वायर कैसे लगाएं। इसकी वायर दोस्तों आप देखेंगे ऊपर से एक वायर बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं एक वायर अलग होता है, जैसे हमारा ये वायर है एक वायर अलग होता है, तो इसको हम मेन वायर बोलते हैं। सबसे जो अलग वायर बात है, अलग वायर होता है यानी कि तार होता है, उसको आप क्या करेंगे, सब में नीचे जो हमारा ओवरलोड लगा हुआ है सफ़ेद वाला जो होता है, सबसे नीचे होता है उसमें लगा देना है। तो इसका तो हमारा कनेक्शन प्रॉपरली, इसको आपको छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों आप कन्फ्यूज होंगे, ये हमारे दो वायर हैं कि कौन कौन से कहाँ कहाँ पर लगाएं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूँ आप लोगों को, यहाँ देखना जैसे कि यहाँ वाइट है, दो ज्वाइंट हो रहे हैं। ठीक है, एक और दो, दो ज्वाइंट हो रहा है, यानी कि इसमें एक कंडेंसर का, वो जो कंडेंसर लग रहा है इसका भी ज्वाइंट यहाँ पर हो रहा है। तो दोस्तों दो हमारे तार होते हैं, ठीक है, कंडेंसर के भी दो होते हैं। तो आप देख सकते हैं लाल वाला तार बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, और ये डबल जोन से इस प्रकार से डबल तार एक जगह लगे हुए हैं, उसको लोग उसको क्या करना है, वाइट हमारा डबल तार लगा हुआ है। ठीक है, वहाँ से हमने देख लिया। तो जिसकी साइड ये होता है पाइप, जिस प्रकार से दिख रहा है आप लोगों को, उस साइड आप लोगों को वाइट डबल वाला तार लगा देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, और पीछे की साइड हमारा रहा एक, और आप ऊपर के में थिम्बल के में, ऊपर के में या नीचे के थिम्बल में कोई से भी लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसको भी आप ऊपर नीचे लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है किसी भी प्रकार से। ठीक है, अगर आप मान लो आपका तार लाल वाला इधर हो जाए और सफ़ेद वाला इधर, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारा जो कंप्रेसर है दोस्तों वो कट मारता रहेगा, बार बार कट मारता रहेगा, स्टार्ट होएगा और कट मारेगा। मान लीजिए अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ, तो ये वाले जो तार हैं आप लोगों के दो, इनको बदल दीजिए और आपका जो कंप्रेसर है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आई होप वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी, मैं मानता हूँ, क्योंकि इतनी मेहनत करता हूँ दोस्तों वीडियो बनाने में। और आप लोग चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करो, ठीक है।